प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया गया है। ट्विटर पर महेंद्र सिंह धोनी के 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि वो खुद 33 लोगों को फॉलो करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 8 जनवरी को अंतिम ट्वीट किया था, जिसमें इंस्टाग्राम का एक लिंक था। धोनी ट्विटर पर कम एक्टिव रहते हैं, यही कारण है और ऐसा माना जा रहा है कि उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है। ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई अपना हैंडल बदलता है तो ब्लू टिक हट सकता है। अगर कोई अकाउंट 6 महीने तक एक्टिव नहीं है तो इस सूरत में भी ब्लू टिक हटाया जा सकता है। हालांकि ट्विटर पर कम एक्टिव रहने वाले टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी खबरों में जरूर बने रहते हैं। उनकी फोटो और वीडियोस भी वायरल होती रहती है। पिछले दिनों हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने धोनी के नए हेयर कट से जुड़ी फोटो पोस्ट की थी। उस फोटो पर माही के फैंस ने खूब कमेंट्स किए थे। इसके अलावा धोनी कभी अपने फार्म हाउस पर खेती करते दिख जाते हैं तो कभी फैमिली के साथ उनकी फोटो और वीडियोज वायरल हो जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी यूएई में आईपीएल के बाकी बचे मैचों के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप के साथ जुड़ने वाले हैं। बताते चले कि पिछले कुछ समय से ट्विटर भारत की कई जानी मानी हस्तियों का अकाउंट से ब्लू टिक हटाकर विवादों में घिर चुका है। कुछ समय पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे तक ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था। इस कारण भी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच ठन गई थी। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।